हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। सो हम ये वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उष्मा के बारे में। ये हमारा कौन सा है, भाग दो है। भाग वन में हमने पढ़ा था, पार्ट वन में उष्मा क्या होती है और ठंडा गर्म के बारे में हमने पढ़ा था, और ताप का जो हमारा ताप होता है उसको किससे मापते हैं, और तापमापी मतलब थर्मामीटर कितने प्रकार का होता है वो हमने भाग वन में पढ़ा था। ये हमारा कौन सा है, भाग टू। भाग वन आप ज़रूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट का नाम है उष्मा। क्या नाम है पार्ट का, ऊष्मा। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हीट। इंग्लिश जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो भाग वन आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमारा भाग टू है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसका स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण, स्थानांतरण का अर्थ ये है कि ऊष्मा स्थानांतरण। अब जैसे इसके अर्थ से समझ में हो रहा है, स्थानांतरण मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान। मीन्स यहाँ पे ये है इसका स्थानांतरण का, कि जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, ये हमें किस फॉर्म में कब और कैसे मिलती है। मीन्स जैसे हम आग के सामने गए अपना ठंडा हाथ लेकर, वो ठंडा हाथ हमारा गर्म हो जाता है जब हम आग के सामने करते हैं, तो वो ऊष्मा जो हमें किस फॉर्म में मिलती है, वो कौन सा रूप है। तो इसका तीन तरीका होता है, ऊष्मा स्थानांतरण किस रूप में मिलती है, वो रूप हमारे कौन कौन से हैं, तीन। पहला हमारा होता है चालन। पहला कौन सा है, चालन। दूसरा हमारा है संवहन। तीसरा हमारा है विकिरण। ध्यान रखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब है, क्योंकि भाई देखिए, आग के सामने गए, आपने हाथ कर दिया, हाथ गर्म हो गया, कपड़ा हमने धूप में डाल दिया, वो कपड़ा सूख गया, तो मतलब उसमें हीट मिली, उसमें ऊष्मा मिला, बट वो किस फॉर्म में था, किस फॉर्म में था, सोचिए ज़रा। क्योंकि हमारा जो अब हमने देखिए, चाहे हम वो करते हैं, किसी स्टील का बर्तन ले लीजिए, या आप खाना बनाते वक्त हम यूज करते हैं अपनी सब्जी को भूजने के लिए, तलने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसे कंचुल बोला जाता है आम भाषा में। तो क्या होता है, जब उसको गर्म हो जाता है, हम काफ़ी अगर हम अपने जो अगर वो हमारे पास कढ़ाई है, हमने उसमें चम्मच रख दिया, तो चम्मच हमने गैस जला के चम्मच रख दिया उसमें, तो कढ़ाई तो गर्म होती ही होती है, चम्मच भी गर्म हो जाता है। ये कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें गर्म हो जाता है। आप सपोज दैट आप पानी गर्म रखिए, किसी कोई बीकर ले लीजिए और उसमें पानी गर्म करिए, उसमें चम्मच डाल दीजिए, तो पानी तो आपका गर्म होगा ही होगा, बट क्या होगा, उसमें जो हम स्पून डालेंगे चम्मच, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मान लीजिए ये चम्मच है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गर्म हो जाएगा, अगर ये पानी में डाल के रख देंगे तो। अगर हीट क्या करें, यहाँ से नीचे से हम हीट जला दें, ये पानी के साथ ये भी गर्म हो जाएगा। तो क्या ये ऊष्मा का कौन सा रूप है ऊष्मा को, जो इन चीज़ों को गर्म करता है, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो पहला हमारा चालन, दूसरा संवहन, तीसरा हमारा विकिरण है। चालन को बोलते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, और ये क्या है, रेडिएशन। इंग्लिश जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चालन कौन सा होता है, चालन को समझने के लिए दैनिक जीवन में से बहुत सारे हम काम करते हैं जहाँ पे चालन की घटनाएं होती हैं। पहला समझिए, आप हम क्या करते हैं, पहला चाय बनाते हैं। चाय बनाने में क्या करते हैं, आप चाय बनाइए, एक पॉट ले लीजिए, मान लीजिए यही हमारा चाय का पॉट है, ठीक है, हमने इसमें दूध डाल दिया, पूरा में चाय बन रही है। आप एक चम्मच ले लीजिए और चम्मच को इस चाय में ऐसे डाल देते रहिए, मतलब चाय में थोड़ी देर के लिए आपने क्या किया, चम्मच को चाय में डाल दिया, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आप चम्मच का नीचे वाला सिरा गर्म होगा, फिर धीमे धीमे जैसे ये वाला चम्मच का ये सिरा गर्म होगा, फिर ये सिरा गर्म होगा, फिर थोड़ी देर बाद आप खुद ही चम्मच को नहीं पकड़ पाओगे, पूरा सिरा गर्म हो जाएगा। मीन्स पहले क्या हुआ कि ऊष्मा क्या हुई, ऊष्मा पहले इस वाले भाग में आई, मीन्स पदार्थ में क्या होती है, ऊष्मा एक स्थानांतरित हो रही है। ध्यान देखिए, टॉपिक क्या, स्थानांतरण, किसका स्थानांतरण, ऊष्मा का। चम्मच हमने डाला, पहले ये हमारा पॉट गर्म हुआ, बर्तन के बाद पानी, फिर पानी इस हमारे पदार्थ में, ये जो हमारा चम्मच स्टील का, इसके इस आगे वाले भाग में गया, फिर स्थानांतरित होकर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ, फिर एक समय ऐसा आया अगर हम ऊष्मा देते रहेंगे तो पूरा गर्म हो जाएगा। अर्थात कहने का है कि पदार्थ में ऊष्मा कहाँ से, गर्म से ठंडे की ओर जाती है, और हम लगातार ऊष्मा देते रहेंगे तो हमारा पूरा चम्मच क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, ऊष्मा का स्थानांतरण, मतलब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई, मतलब हीट क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। कैसे, पहले चम्मच का आगे वाला सिरा गर्म हुआ, फिर उसके आगे वाला, और लगातार ऊष्मा देते रहेंगे, पूरा गर्म हो जाएगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एक इसका प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। क्या लीजिए, दो ईंट ले लीजिए, और दो ईंट के बीच में क्या करिए, आप एक चम्मच रख दीजिए और नीचे आप कैंडल जला दीजिए। क्या करिए, कैंडल जला दीजिए, और उसमें कैंडल जला के आप रखेंगे तो आप देखेंगे, चम्मच ले लीजिए या कोई भी आप पदार्थ का ले लीजिए, चम्मच या स्केल ले लीजिए, स्टील की या आयरन का ले लीजिए, जो कि पतला हो और जल्दी से गर्म हो सके। तो आप कैंडल जला दीजिए, तो क्या होगा, इसमें पहले ये वाला सिरा गर्म होगा,
और हमने लगातार कैंडल हमारी जलती रहेगी, पहले ये आगे का हिस्सा गर्म होगा, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा गर्म होगा, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा गर्म होगा, एक समय ऐसा आएगा कि है हमारा क्या होगा, ये पूरा चम्मच गर्म हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, ऊष्मा का स्थानांतरण, मीन्स हीट क्या हुई हमारी, ट्रांसफ़र हुई। एक पहले इस शुरुआत इस भाग से हुआ था शुरू में, फिर एक समय ऐसा है कि पूरा चम्मच हमारा गर्म हुआ। इसमें क्या हुआ, ये विधि क्या कहलाती है, यही विधि क्या कहलाती है, चालन। और क्या हुआ, ऊष्मा का स्थानांतरण। और हमारा क्या टॉपिक, ऊष्मा का स्थानांतरण। ये हमारा कौन सा था, पहला प्रकार, चालन से हमने क्या किया, पदार्थों को गर्म करते हैं। कौन से पदार्थ को, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, पदार्थ को तो हमने गर्म किया, इसमें एक चीज़ छिपा हुआ है, एक टॉपिक, सुचालक। क्या बोलते हैं उसको, सुचालक। सुचालक किसे बोला जाता है, जिसमें पदार्थ जो ऊष्मा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाए, वही सुचालक होता है। मीन्स कहने का ये, एक सुचालक उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, जैसे ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हीट क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई। बट इन्हीं दोनों बीच में अगर हम एक लकड़ी के ऐसे रॉड लगा देते तो क्या होता, वो लकड़ी की रॉड तो कैंडल जला देती है, थोड़ी देर बाद जलने लगता, बट वो क्या, जलने के बाद पूरा लकड़ी की रॉड गर्म नहीं होती, सिर्फ यहीं पर जहाँ पर वो जल रही है वहीं पर वो गर्म होती, बट पूरा नहीं गर्म होती। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। तो ध्यान रखिएगा, चालन में वही ऑब्जेक्ट, वही वस्तु, वही पदार्थ गर्म होगा जो क्या होगा, सुचालक होगा, मीन्स कंडक्टर होगा, जिसमें ऊष्मा स्थानांतरित हो सके। क्योंकि पदार्थ है, पदार्थ क्या करता है, ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, कैसे, ठंड, गर्म से ठंडे की तरफ। बट लकड़ी में क्या होता है, ऐसा कोई नहीं है कि इसमें गर्म से ठंडे या ठंडे से गर्म की तरफ कोई ट्रांसफ़र, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर आप जलाओगे आग वहीं पर गर्म रहेगा बस। तो ये हमारा कौन सी विधि, चालन। अब हम दूसरा देखेंगे, हमारा दूसरा कौन सा है, संवहन। संवहन का भी ऐसे बहुत सारा हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है जिसे हम संवहन समझ सकते हैं। संवहन क्या होता है, संवहन समझने के लिए भी आप एक बीकर ले सकते हो। जैसे आपने एक बीकर लिया और बीकर में आप क्या करेंगे, पानी भर देंगे। तो आपने देखा ही होगा, ये तो दैनिक जीवन में हम बहुत बार पानी गर्माते हैं, देखते भी हैं कि पानी जब हम गर्म करते हैं, मान लीजिए स्प्रिट जला दिया आपने, क्या किया, स्प्रिट से बीकर में भरे पानी को गर्म कर दिया। अब ये गर्म पानी क्या होगा, सबसे पहले पानी कौन सा, हमारा जो ये पदार्थ है, ये बीकर पहले गर्म होगा, इसका नीचे वाला तली वाला भाग गर्म होगा, फिर नीचे वाला पानी गर्म होगा। नीचे वाला पानी गर्म होने के बाद क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला पानी कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, संवहन। और ये इस प्रक्रिया को समझने के लिए, जैसे स्मॉग होता है, धुआं होता है, धुआं क्या होता है, हल्का होता है। तो हल्का क्या होता है, हवा से हल्का होता है, तो वो क्या ऊपर की तरफ चला जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वो हवा से हल्का है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक प्रक्रिया कौन सी काम करती है, संवहन। जहाँ कहीं भी हम पानी गर्म करेंगे, कोई भी पदार्थ गर्म करेंगे, दिखाई भी देता है हमें नीचे क्या, जब पानी गर्म इस शुरू होता है, पानी गर्म होना, तो नीचे हमें हवा का जो ऐसे बुलका मीन्स वो क्या बोलते हैं, ड्रॉप्स दिखाई दे, हमें ऑक्सीजन की बूंदें दिखाई देंगे, जैसे जिसे देसी भाषा में बुलका बोला जाता है, या आप ड्रॉप्स समझ सकते हैं। ऑक्सीजन का भी इसमें छोटे छोटे बूंदें हमें दिखाई देती हैं। मीन्स क्या होता है, गर्म पानी जो, जैसे जैसे वाटर पानी गर्म होता जाएगा ऊपर जाएगा, और जो भारी कण है वाटर की, जो पानी गर्म नहीं है, वो क्या होगा, नीचे आता जाएगा। अभी हमने समझा था ना, ऊष्मा क्या होती है, गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, मतलब गर्म वाला ऊपर जाएगा और ठंडा वाला नीचे। यही प्रक्रिया क्या करती है, पानी को गर्म करती है। और यही ऊष्मा के, इसमें क्या हम नीचे दे रहे थे, ऊष्मा स्थानांतरित होकर पूरे पानी को गर्म कर दी, और यही प्रक्रिया संवहन कहलाती है। और लास्ट हमारा तीसरा कौन सा है, हमारा विकिरण। विकिरण भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, ठंडी लग रही है हमें, ठंडी में क्या हुआ, हम आग के सामने बैठ गए, हाथ हमारा बहुत ठंडा हो रहा है, पैर ठंडा हो गया, आग के सामने बैठ गए, हमने हीटर जला लिया, हमारा हाथ पैर गर्म हो जाता है। कैसे, हमें हीट किस फॉर्म में मिली, हीट का वो रूप कौन सा है, विकिरण। विकिरण को इंग्लिश बोलते हैं रेडिएशन। इसका बहुत ही मज़ेदार उदाहरण, आप धूप में बैठे हो, हमने धूप में कपड़ा डाल दिया, हमारा कपड़ा सूख गया, कैसे, क्योंकि जो सन से रेज आती हैं, जो सन है, सन से ये जो रेज निकलती हैं, किरण, इसे इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण, इंग्लिश में बोलते हैं रेज। ये हमारा सन है, इससे क्या निकल रही हैं, किरण, जिसे इंग्लिश इसमें क्या कहते हैं, रेज। तो ये किरण क्या करती हैं, जब मान लीजिए हमने यहाँ पे अपना कपड़ा डाला है, ये किरण हमारे कपड़े पे आएगी और कपड़े पे क्या करेगी, कपड़े को सुखा देगी। मींस सूर्य से, हमें सूर्य की किरणों से क्या मिल रही है, ऊष्मा, और ऊष्मा हमारे कपड़े को क्या कर रही है, सुखा रही है। यही प्रक्रिया, ऊष्मा क्या हो रहा है, ऊष्मा स्थानांतरित हो रहा है, कहाँ से, सूर्य से हमारे कपड़े को सुखा रहा है। तो ये क्या हुआ, ऊष्मा का स्थानांतरण, कौन सी प्रक्रिया है, विकिरण द्वारा। ये हमारा तीसरा मेथड था। मीन्स ऊष्मा स्थानांतरित होने की कितनी प्रक्रिया है, तीन। पहला चालन, ये भी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है, पदार्थों को
संवहन पानी के लिए विकिरण क्या है, कपड़े से। दैनिक जीवन से जोड़ोगे तो आप साइंस को यूँ समझ सकते हो, क्योंकि साइंस पूरा प्रैक्टिकल, साइंस दैनिक जीवन में ही छिपा है। आपका पूरा सिलेबस, कोई हमारा खेत से जुड़ा है तो कोई हमारे कपड़ों से जुड़ा है, खाने से जुड़ा है, हमारे बॉडी पार्ट से जुड़ा है, पूरा विज्ञान इसी में छिपा हुआ है। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहिए, अपने आसपास जो घटनाएं होती हैं उसको देखिए और उनके बारे में सोचिए कि ये कैसे होती है और क्यों होती है। तो ये हम किरण विकिरण वाला हमने समझा कि आग के सामने हाथ रखते हैं तो उष्मा, वो जो आग जल रही है उसकी उष्मा कैसे मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि हमने उसमें हाथ डाल दिया या आग को हमने अपने हाथ में ले लिया, नहीं, हमने दूर किया फिर भी हमारा हाथ गर्म हो जाता है। तो किस में मिलती है, किस फॉर्म में, विकिरण, विकिरण के फॉर्म में मिलती है। सूर्य की रोशनी हमें किस रूप में मिलती है, उष्मा के विकिरण के रूप में मिलती है। ये उष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि है, तीसरी। तो ये तीनों विधि अगर आप देखेंगे तो आप दैनिक जीवन में प्रतिदिन इन तीनों विधियों को महसूस करते हैं। हम चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं और ये चालन, हम सब्जी बनाते हैं तो हमारा बर्तन गर्म होता है, वहाँ पे कौन सा विधि होता है, चालन। संवहन, पानी गर्म करते हैं, संवहन। विकिरण, कपड़े सुखाते हैं, विकिरण से होता है। हाथ पैर ठंडियों में आग के सामने ले जाते हैं, विकिरण से होता है। कमरे की लाइट जलती है, बल्ब, बल्ब से रोशनी मिलती है, किस फॉर्म में, विकिरण के फॉर्म में। ये क्या रेज निकलती हैं बल्ब से, उसी से हमारे कमरे का क्या है, अंधेरा गायब हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सोचोगे, कोशिश करोगे तो सारा एक्सपेरिमेंट्स आप महसूस कर सकते हो और कर भी सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, मीन्स माइंड में अपने सोच सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही क्या है, साइंस है, और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे और अच्छे से मार्क्स मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इन टॉपिक्स रिलेटेड तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।